बरकत सूर्य आय नंबर वन फोर्टी एट से हम शुरू करते हैं इन देखते हैं कहाँ तक कवर करते हैं असलकुम वरम वबरकत नहमद वनुसली रसूल करकरीम अम्माबाद फ़ाउज़ बिल्लात रजीम बिसमिल्लमीम रबी शराली सदरी वसिल अमरी वखल़दतमिलसानी यफ़ह

148 फोर्टी एट सैक़ुलु सनकरीब यक़ुलु कहेंगे अब आपको सा सीन याद हो गया होगा ना अनकरीब जल्दी अनकरीब कहेंगे अल्लाजीना वो जिन्होंने अशरक़ु शिर किया लौ अगर शाह चाहता अल्लाहु अल्लाह अल्लाह ना अशरक ना शिरक करते हम अशरक शिर करते ना हम वला व और ला ना आबाऊना आबा अजदाद हमारे आबाऊ आबा अजदाद दादा ना हमारे व और ला ना हर्रम ना हरम हराम करते ना हम हर्रम ना हराम करते हम मिन शेन कोई चीज़ कज़ा लिका इसी तरह जबा झुटलाया लाया उन्होंने जो मिन हिम मिन से कबल पहले हिम उनसे मिन क़बिल हिम ज़मीर है प्रो है मिन क़बल हिम उनसे पहले थे हत्ता यहाँ तक के ज़ाकू उन्होंने चख लिया बाजाब हमा, हमारा बासा अजाब ना हमारा बासना अजाब हमारा कुल कह दीजिए हल क्या है इंदुम इंद पास कुम तुम्हारे इंद कुम पास तुम्हारे मिन मिन, रिजुह फ तो फस फ पस, पस। तु रिजु तुम निकालो तू तुम अखरिजु निकालो हो उसे फतुख रिजु हो बस तुम निकालो इसे फ पस तू तु तु तुम खरीजू निकालो हु उसे व खरीजू हूँ बस तुम निकालो उसे लना लिए न हमारे लना हमारे लिए इन नहीं तत तत् तुम पैरवी करते इल्ला मगर अज़न ना जन की गुमान की व और इन नहीं आन तुम तुम इल्ला मगर तख रसून तुम क़यास आरा करते हो रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं ये मशरकिन यू कहेंगे कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो ना हम शिर करते और ना हमारे माँ बाप हमारे बाप दादा हमारे आबा अजदाद और ना हम किसी चीज़ को हराम कह सकते इसी तरह जो लोग उनसे पहले हो चुके हैं उन्होंने भी तकजीब की थी यहाँ तक के उन्होंने हमारा अजाब का मज़ा चखा आप कहिए कि क्या तुम्हारे पास कोई दलील है तो उसको हमारे रूबरू ज़ाहिर करो तुम लोग महज़ ख्याली बातों पर चलते हो और तुम बिल्कुल अट अटकल से बातें करते हो तो आयत को देखते हैं और समझते हैं इन शह सैकुल्ल अनकरीब कहेंगे कौन अ वो जिन्होंने अशरकू शिरक किया क्या कहेंगे जिन्होंने शिर किया जिन्होंने अल्लाह के साथ पार्टनर्स बनाए अल्लाह के साथ अल्लाह के साथ शरीक ठहराया क्या कहेंगे लू शाह अगर चाहता अल्लाह क्या करता माँ अशरक ना हम शिरक ना करते वला आबाउना और हमारे आबा अजदाद भी शिरक ना करते अगर अल्लाह चाहता वो ब्लेम गेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने शिरक किए बहुत सारे हलाल जानवर को हराम कर दिया और जो है साहिबा और हाम और वगैरह जो पढ़ते आए उनके नाम पे कर दिया बुतों को शिर बुतों की पूजा करते थे तो कह रहे हैं अब ब्लेम गेम ना कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर ना करते ना हमारे बाप दादा करते आबा अजदाद करते वाला हरमना मिनशीन और ना हम किसी चीज़ को हराम करते तो फिर और क्या फरमाया आप साल फरमाते कजाली का कद लजीना कजाली बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इन्होंने किया था मक्का वालों ने कसबल लजीना झुटलाया उन्होंने मिन कबिल उनसे पहले तो उनके पह, उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी इसी तरह अल्लाह को झुटलाया और बासना यहाँ तक के उन्होंने चख लिया अजाब हमारा ये झुटलाते रहे हती के अल्लाह का अजाब आ गया फिर अल्लाह त फ़रमाते कुल कह दीजिए मोहम्मद सरम हल इन दुम क्या पास तुम्हारे है तुम्हारे पास है क्या है मिन इमिन मिन इमिन कोई इल्म या तुम्हारे पास इसकी कोई दलील है कोई इल्म है जो तुम शर्क कर रहे हो अगर है तो क्या करो फतुख रिजुहू पस तुम निकालो उसे लना हमारे लिए तो हमें कोई जो है दलील दो आ, कोई प्रूफ दो कि शिर करना जो है वो जायज है तो इन तक तबना नहीं तुम पैरवी करते जन मगर तुम तो वो तो दलील दे ही नहीं सकते ना क्योंकि वह तो जन की गुमान की पैरवी करते हैं अटकल पुछू करते हैं अपनी तरफ़ से सब तकजीब करते हैं विन अं तुम और नहीं तुम इल्ला मगर तखरसून तुम कयास आरियाँ करते हो और अपने गुमान से बातें करते उनके पास तो कोई दलील है ही नहीं इस बात की वो क्या जवाब देंगे तो यानी ये फिर वही बेहुदा जो इनकी बेहुदा बातें थी तफासिर में आता है कि ये फिर वही बेहुदा दलील है जिसका जवाब बार बार दिया जा चुका है यानी ये कि अगर अल्लाह को शिरफ़ नागवार है तो वो हमें शर्फ़ पर कुदरत क्यों नहीं दे देता अगर अल्लाह को शिरफ़ मंजूर नहीं है शेफ़ नागंवार सिर्फ पसंद नहीं है तो हमें कुदरत क्यों नहीं देता तो जवाब बार बार दिया गया अल्लाह ताला बार बार कुरान में कि अगर अल्लाह ताला सारी दुनिया को अपनी कुदरत के ज़रिए ज़बरदस्ती ईमान पर मजबूर कर दे तो अल्लाह तो कर सकता था सब ईमान ले आते सब मान लेते तो फिर जन्नत दौजर टेस्ट इम्तिहान का खेल ही ख़त्म हो जाता तो अल्लाह ताला तो अपनी कुदरत के ज़रिए ज़बरदस्ती ईमान पर मजबूर कर दे तो फिर इम्तिहान ही क्या दुनिया तो इसी इम्तिहान के लिए पैदा की गई कि कौन शख्स अपनी समझ और अपने इख्तियार से सही रास्ता इख्तियार करता है और कौन जो है अल्लाह की मान के नहीं चलता तो अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में भी रख दिया है और जिसकी तरफ रहनुमाई के लिए इतने सारे पैगंबर भेज दिए ठीक है तो इसमें यही बात बताई गई कि इनकी बात नहीं मानी इनके पास तो कोई दलील है ही नहीं अब हम इसकी समरी देख लेते हैं इस्क्रीन पर समरी दिखा दें अच्छा अब ये जो आयत है ना हमारी चल इसके हम समरी देख लेते हैं कि इसमें ये फरमाया गया है कि ये जो आयत है सैक़ुल सैक़ुल्लीना अशरक शाहु माँ अशरखना वला अब उन्ना वला हरमना मिनशीन अगर, अगर अल्लाह चाहता तो ये है कि हम शर्क ना करते ना हमारे अबा वाद बाप दादा शिरक करते और हम ना किसी चीज़ को हराम करते तो इंसान इस आयत में इंसान के किस रवैये की तरफ इशारा है और इसमें हमारे लिए क्या अमल है इंसान अपनी गलती को मानने की बजाय उसका इल्जाम दूसरों पर डाल देता है तो ये हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए ये होता है ना हमारी जिंदगी में भी उसने ये कहा ना तो मैंने ये कर लिया तो हो गया ना उसकी मैं मानती ना हो ये होता ब्लेम गेम करते खुद है कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं कहता बार दफा इसलिए होता है लोग मशवरा भी नहीं दे रहे होते अगर ऐसा आदमी होता है ना ऐसा इंसान होता है मैंने देखा आपने भी देखा होगा मुशाह किया होगा कि वो दूसरों पर जब इल्जाम डालता है ना तो घर वाले कहते भाई तुम्हारी मर्जी हम कुछ नहीं कहते तुम्हें क्योंकि वो पीछे पड़ जाते हैं कि उन्होंने कह दिया ना तो वो हमने ऐसा हो गया वरना नहीं होता तो इल्ज़ाम दूसरों पर नहीं डालना है ब्लेम गेम नहीं करना है और अमल के लिए मुझे अपनी गलतियों पर नज़र डालनी है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ अपनी गलती का एतराफ़ भी करना है कि हाँ मैं गलत हूँ दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं डालना क्योंकि जो इंसान गलती का एतराफ़ नहीं करता वो अपनी असलाह नहीं कर सकता जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे अपना करेक्शन नहीं करेंगे अपनी असलाह नहीं कर सकेंगे तो वो गलती मानते ही नहीं तो उन्होंने अल्लाह पे डाल दिया कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिक ना करते हमारे बाप दादा भी नहीं करते तो दूसरों पर बिले और बल्कि गलती नहीं मानते थे इसीलिए उन्होंने उनकी इसलाह नहीं हुई हती के उन्होंने क्या किया कि हती जाक बासना हती के उन्होंने चख लिया अजाब हमारे अजाब का मज़ाक चख लिया और फिर अल्लाह ने कहा कि कोई दलील हो तो लाओ तुम्हारे पास तो इन तक तब जन्ना अन् ना वहीं तुम अल्ला तखरसून तुम अगर कोई दलील है तो लाओ तुम्हारे इल में कोई बात है मगर तुम उनके पास तो दलील है ही नहीं तुम तो पैरवी करते हो अपने गुमान की अपने ज़न की अटकल पछू करते हो और तुम तो खयास आ रहा करते हो दलील तो कोई है ही नहीं उसके बाद आया वन फ़ोटी एट इन शह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेसन करते हैं वन फोर्टी एट का वन फोर्टी नाइन सॉरी वन फोर्टी नाइन करेंगे वन फोर्टी नाइन कुल कह दीजिए मोहम्मद ससम कह दीजिए फली लाही फ पस ली ला में ली है ली ठीक है पहले लिए अल्लाह ही अल्लाह के लिए फली लाही पस ही ल्ला के लिए है अल हुज्जतु अलहुजतुजत अल लगतु पहुंचने वाली है बाम गिन है ना बलाग भी होता है ना वमा आले का अलबलाख पहुँचना आपके ज़िम्मे सिर्फ पहुंचाना है है ना बलाग पहुंचाना तो बा अलबा लिगतु पहुंचने वाली फलो प फिर लो अगर शाह वो चाहता ला हदा कुम ल अलबत् हदा हिदायत दे देता कुम तुम्हें अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें हिदायत दे देता अल्लाह हदा कुम अलबत् हिदायत दे देता तुम्हें अजमाइन सब के सब को रमा तर्जुमा आप कहिए के आप कहिए के बस पूरी हजत अल्लाह ही की रही फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको राय रास पर ले आता आयत को देखते हैं अच्छा अब ये जो आयत में है आ, कुल अहम मोहम्मद ससलम कह दीजिए फल्ला बस अल्लाह ही के लिए है अलहुजतलबालगागाह हजरत पहुंचने वाली ठीक है अब हजरत से क्या मुराद है हजरत का वो बाद में भी दिखा देंगे आपको मैं अभी तफसीर कर रही करी हजरत का, का रूट वर्ड है हा जीम जिम ठीक है इसमें आपको ख़ुद ही मिल रहा है ना जिम पे शद है तो हा जिम जिम दो जिम है मुराद है दलील मोहकम पुख्ता दलील इंतहा को पहुंची हुई दलील मौकम दलील यानी कि इनके पास तो फ़र्जी दलाइल पेश करते हैं अटकल पशु क़यास आराहन गुमान तो अल्लाह ताली फरमाते हैं कि उनसे कह दीजिए क्या कह दीजिए कि बस पूरी हजरत अल्लाह ही की ही रही अल्लाह ही के लिए पूरी हजरत है और उनके पास तो फ़र्जी दलाइल है कयास आरा है जन है गुमान लेकिन अल्लाह तला ने पैगम्बरों को भेज कर अपनी हजत पूरी कर दी उज्जत क्या सरसम का आना और ये किताब कुरान तो अल्लाह ताला ने और हर जमाने में पैगंबरों को भेज कर अपनी हजत पूरी कर दी और उनके बयान केवे दलाइल दिलों में उतरने वाले हैं उनकी तस्दीक इस हकीकत ने भी कर दी कि जिन लोगों ने उन्हें जुटलाया वो अल्लाह तजाब से शिकार हुए पीछे भी पड़ा ना कि उन्होंने हत्या के वो इनकार करते रहे अल्लाह का अजब आ गया लिहाजा ये बात तो सही है कि अगर अल्लाह तला चाहता तो सबको जबरदस्ती हिदायत पर ले आता फल अगर चाहता अल्लाह क्या चाह क्या करता अल्लाह को अलबत् हिदायत दे देता तुम्हें किन को अजमैन सब के सब को अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता लिहाजा ये बात तो सही है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको ज़बरदस्ती हिदायत पर ले आता वो तो कुदरत तकता है हर चीज़ पर कादिर है लेकिन उससे ये तु, ये तुम्हारी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती कि तुम अपने इख्तियार से पैगम्बरों के नाकाल इनकार दलाइल को कबूल करके ईमान लाओ अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं था वो तो सबको हिदायत दे देता तो जो है वन फोर्टी एट यानी कि समरी है कि दोनों आयतों को जो भी हमने की ये मशरक लोग दलील पेश करते हैं कि हमारे शिर का हल, हमारा शर्क करना हलाल को हराम करने का हाल तो अल्लाह को मालूम ही है ये इनकी दलील है और ये भी जाहिर है कि अगर वो चाहे तो उसके बदलने पर अल्लाह ताला कादिर है हम शर्फ ना करते इस तरह के हमारे दिल में ईमान डाल दे या कुफर के कामों की हमें कुदरती ना दे फिर भी अगर वो हमारी इस रविश को नहीं बदलता तो जाहिर है कि वो हमारे इन कामों से खुश है अगर वो चाहता तो हम तो क्या हमारे बुज़ुर्ग भी शेख ना करते और उनका कौल है लो शाहरमान सुरतल में इसी शुबे ने उनसे पहली कौमों को तबाह कर दिया कि यही बातें थी ना अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर ना करते अगर ये बात सच होती तो उनके पहले बाप दादा पर हमारा अजाब क्यों आते रसूलों की नाफरमानी और शेर को कुफर पर मुज़िर रहने की वजह से वो रुए ज़मीन से ज़िल्लत के साथ क्यों हटा दिए जाते अच्छा तुम्हारे पास अल्लाह की रजामंदी का कोई सर्टिफिकेट हो तो पेश करो हम तो देखते हैं कि तुम वहम परस्त हो फासास्द हो अक़ायद पर फासद अक़ायद पर जमे हुए हो और अटकल पचू बातें अल्लाह के जिम्मे घर लेते हो कयासारियाँ करते हो गुमान और जन पे बात करते हो वो ये भी कहते थे तुम भी यही कहते हो कि हम इन महबूदों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से मिला दें यानी वो वसीला बनाते थे ना महबूों को सारे बुतों को और जिनों को और फरिश्तों जिसकी भी पूजा करते थे कि वो ये हमें अल्लाह से मिला देंगे हालाँकि वो ना मिलाने वाले हैं ना उन्हें कुदरत है अल्लाह तो हमारी शेरक से भी करीब है डायरेक्ट डालिंग करनी चाहिए अल्लाह से डायरेक्ट मांगना चाहिए उनसे तो अल्लाह ने समझ भूछ, समझ छीन रखी है, हिदायत और गुमराई की तकसीम में भी अल्लाह की हमत और उसकी हजत है सब काम उसके इरादे से हो रहे हैं वो मोमिनों को पसंद फरमाता है और काफरों से नाखुश है अल्लाह ताला तशात फरमाते वल्ला जमाहुदा अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको राय हक पर जमा कर देता और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तेरे रब की चाहत होती तो सब लोगों को एक ही उम्मत कर देता अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं था सब एक उम्मत होते ये तो और ये ये तो इख्तलाफ़ से नहीं हटेंगे सिवाय उन लोगों के जिन पर तेरा रब रहम करे बल्कि उन्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है तेरे रब की ये बात हक है कि मैं जिन्नात और इंसानों से जहन्नम को पुर कर दूँगा लाम नान लाम नानल जहन जहन्नम हकीकत भी यही है कि नाफरमानों की कोई हुज्जत अल्लाह के जिम्मे नहीं बल्कि अल्लाह की हजत बंदों पर है अब हम जो है इसकी जो है समरी देख लेते हैं इस आयत की वन नाइन की हजरत से क्या मुराद है आपकी आयत में हजत का वर्ड आया था ना तो हजरत का रूट वर्ड हा जीम जीम यानी दलील कैसी दलील जो मुराद है दलील मोहकम पुख्ता दलील इंतहा को पहुँची हुई दलील ये आपके आए थे नकुलफ़लीबालिगा कह दीजिए कि बस अल्लाह ही के लिए हजत पहुँचने वाली है तो अल्लाह ने तो हजत तमाम कर दी हजत क्या आए पैगम्बर आए किताबें आई और मौकम दलील आई पुख्ता दलील अल्लाह ने भेज दी कुरन में किताब हर दौर में तम तमाम नबी भेजे हर दौर में और किताबें भेजी सईफ़े ज़बूर इंजील तौरात सब भेजी और और हमारे लिए उम्मत मुसलमा के लिए भी हजत तमाम हो गई क्या आ गया कुरान मजीद आप ससम की आमद और कुरन मजीद ठीक है यानी चाहिए तो हमने कर लिया अब हम देखते हैं आयत नंबर नहीं वन फोर्टी एट वन फोर्टी नाइन को देखते हैं तो वन फोर्टी नाइन जी तफ़ी इसकी हमने इस हम्री कर लिया वन फोटी नाइन नहीं वन फिफ्टी इन शह सॉरी वन फिफ्टी हाँ लफ्ज़ी तर्जुमा कुल कह दीजिए हलुमा हाजिर करो शुहदा कम शुहदा गवाओं को कुम अपने शहदाकुम अपने गवाहों को अज़ीना उनको जो यशदुना गवाही देते हैं अन्ना के बेशक अल्लाह अल्लाह ने हर रमा हराम किया है हाजा इसे अल्लाह ने हराम किया है हाजा इसे फ़ैन फ़िर इन अगर शहीदू वो गवाही दे दें फ़ला फ़ तो ला ना का आप गवाही दें मा साथ हम उनके व और ला ना तत तबे आप पैरवी करें अहवा की कीधीना उनकी जिन्होंने कस जबू झुटलाया बी आयातियाँ आयात को ना हमारी भी आयातियाँ हमारी आयात को व्लना व और ना उनकी जो ला लायन ला नहीं यूमिनून व ईमान लाते बिल आख़िरती आख़रत पर वहम व वह और हम वो बिर बिम बी, बी सात रब रब हिम अपने के बिर भि साथ सात अपने रब के या दिलून वो बराबर करार देते हैं रनिंग ट्रांसलेशन कर लेते हैं हम आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दे कि अल्लाह ने उन चीज़ों को हराम कर दिया है फिर अगर वो गवाही दे दें तो आप उसकी शहादत ना दीजिए और ऐसे लोगों के बातिल खयालात का इतबा मत कीजिए जो हमारी आयतों की तकजीब करते हैं और जो आख़रत पर ईमान नहीं रखते और वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं तो हम इसको आयत को देखते हैं स्क्रीन पर इंशाल्लाह कुल ए मोहम्मद स्लम कह दीजिए हलुमा हाजिर करो क्या हाजिर करो शोहदाकुम अपने गवाहों को तो अलज़ीना उनको जो यशदुना गवाही देते हैं कि अन्ला हरम् हाजा कि अल्लाह ताल ने हराम किया इसे यानी आप कहिए कि अपने गवाहों को लाओ जो इस बात पर शहादत दें कि अल्लाह ने उन चीज़ों को हराम कर दिया है यानी किन चीज़ों को हराम कर दिया यानी वो जानवर जिनको मशरक़ी हराम करार दिए हुए थे पीछे आप तफसी पढ़ाए ना हाजा ये सारी तफसीर पढ़ा हाम और साहिबा और उन पर सवारी नहीं करते थे कुछ मर्दों के लिए हलाल है कुछ औरतें पे हराम है और मुर्दा पैदा हुआ तो औरतें बच्चे सब खा सकते वगैरह वगैरह तो यानी वो जानवर जिनको मशरकिन हराम करार दिए हुए थे उसके बाद फरमाया कि फिर अगर वो गवाही दें फ़ाइन शहीद हो तो फिर अगर वो गवाही दें तो आप उसकी शहादत ना दीजिए फला तशद माहम तो उनकी शहादत मत दीजिए क्योंकि क्यों ना दीजिए अगर वो गवाही दे तो क्योंकि उनके पास सिवाय किसब और अफतरा के कुछ भी नहीं है उनकी गवाही भी झूठी होगी गुमान है क्या सारियाँ है तो क्योंकि उनके पास सिवाय किसब और अफतरा के कुछ नहीं है तो वो गवाही दे भी तो आप उनकी गवाही को नहीं माने ठीक है तो आप उसकी शहादत ना दीजिए और ऐसे लोगों के बातिल ख्याल का इतबा मत कीजिए सब सबसे पहले बताया कि उनकी गवाही मत माने वला तब आवा लजीना का जबू और उन लोगों की जो है बातिल ख्याल की इतबा मत कीजिए उनके झूठे ख़्यालत की पैरवी मत कीजिए क्योंकि कस जब उन्होंने झुठलाया ना भी बी ना हमारी आयात की तकजीब करते हैं तो बातिल ख्याल का इतबा मत कीजिए जो हमारी आयातों की तकजीब करते हैं वला तब आवा लजीना कस जब बी आयातियाँ व लजीना ला यू मनूना बिल आखिरती और जो आख़रत पर ईमान नहीं रखते हैं उनकी पैरवी नहीं करनी है और क्या है और वो अपने रब के बराबर दूसरों को ठहराते हैं यानी कि वहम भी रब भीम यादल और वह शर्क करते हैं दूसरे माबुद दान बनाए हुए हैं उसको अल्लाह के साथ शरीक करते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो इनकी बात नहीं मानी तुमने ख्वा मखा अपनी तरफ से अल्लाह तरफ मतलब ये समरी कि तुमने ख्वा मखा अपनी तरफ से जानवरों को हराम कर रखा है उनकी हरमत पर किसी की शहादत तो पेश कर दो अगर ये ऐसी शहादत लाए भी अल्लाह के रूल कुल तो क्या आप को फरमाया अगर ये ऐसी शहादत लाए तो उनके झूठे लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाना इन मुनकरन क़्यामत मुनक्र क़यामत के मुनिर हैं मुनकिन कलाम अल्लाह है कलाम अल्लाह के मुनकिन हैं तो इनके झांसे में कहीं तुम भी ना आ जाना तो इन ला तो इनकी बात को अल्ला तब आवा लजीना का जबू ब तो इनकी ख़्वाहिशात की इनकी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी हरगिज़ ना करना क्योंकि इन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है और ये आखत का यकीन नहीं रखते और अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं तो इस आयत में हम समरी देख लें इक्कीस की पैरवी करने से मना किया गया है जो अल्लाह की आयत को झुटलाते हैं ठीक है नंबर एक जो अल्लाह की आयत को झुटला कस्ज़बू भी आयाती ना ठीक है नंबर दो आख़रत पर ईमान नहीं रखते व लज़ीना लायुमिना बिल आख़िरत ठीक है और फिर दूसरा क्या करते हैं रब के साथ हम सर बनाते हैं शरीक ठहराते हैं वहम भी रब भीम यादिलूँ ऐसे लोगों की पैरवी करने से मना किया गया है इनके पीछे इनकी मान के नहीं चलना है ठीक है अच्छा उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर वन फिफ्टी वन कुल कह दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया बहुत सी बातें बहुत सारी चीजें इसमें कुल कह दीजिए तालो आओ और जो लोग अरब दुनिया में रहें होंगे या आपको थोड़ी सी अरबिक आती हो या आप जाते हैं जुमरा को या दुबई वगैरह तो कहते हैं ताल ताल आओ आओ आने को कहते हैं ताल इनकी कॉमन लैंग्वेज लैंग्वेज में भी ताल है ताल आओ तो तालो आओ यानी ये वाहफ ने सबको सबको बुला रहे हैं कुल अल्लाह तला कहते हैं कि कह दीजिए ता लो आओ अतलू मैं पढ़ सुनाऊ माँ जो हर रमा हराम किया रब तुम्हारे रब ने रब रब तुम्हारे रब तुम्हारे रब ने अलैकुम तुम पर अल्लाह के ना तो ये अन ला था अन अलिफ फता नून सुकून अन अलिफ अलिफ पे जबर था नून पे सुकून था अन और ला था अन ला ठीक है तो ये अब अल्लाह हो गया लाम पे शादा गया अल्लाह के ना तुशरीकू तुम शरीक ठहराओ तू तु, तुम तु, तु, शर्कू शरीक ठहरा तुम शरीक ठहराओ बिही साथ उसके शयन किसी चीज़ को वबिल विदीनी और साथ वालदेन के एहसानन एहसान करो व और ला ना तख्तुलू तुम कत्ल करो अवला दुम आुलाद औलाद कुम अपनी को अवलाद कुम अपनी औलाद को मिन इमलाक मिन से इमलाकिन तंगी तंगदस्ती मिन इमलाकिन तंगदस्ती के डर से नहनो हम न अर्जुक अर्जुक रिस देते न रुकम तुम्हें व या हम व और ईया उन्हें भी व और ला ना तक रबू तुम करीब जाओ हिशा बे हयाई के कामों के माँ जो जहरा ज़ाहिर हो मिन हा मिन से हा उनमें मिन हा उनमें से व और माँ जो बतना छुपे हुए हों बतन पेट को भी बतन कहते हैं ना कि उसमें सब छुपा हुआ व और ला ना तख्तुलु तुम कत्ल करो तुम अख्तुलु कतल करो तुम कत्ल करो अन्नफसा उस जान को अल्लती वो जो हर रमा हराम की अल्लाह अल्लाह ने इल्ला मगर बिल हक सात जालिकुम ये है वस्सा कुम इसकी ताकीद की है कुम तुम्हें वस्सा उसने ताक़द की है कुम तुम्हें वसाकुम उसने ताक़द की है तुम्हें बिही जिसकी ताकि तुम ताकिलून तुम ताकल से काम लो ता तुम ताकिलून तुम ल से काम लो रनिंग ट्रांसलेशन रवा तर्जुमा देख के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं इस आयत में पहली चीज़ तो ये बताईगी नंबर वन ये कि उसके साथ किसी को शरीक ना करो इन न शर्क अला क्योंकि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है ज़मीन पे नंबर दो और वालदे के साथ नेक सुलूक करो नंबर तीन अपनी और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे नंबर चार और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ ख्वाहिश के करीब भी ना जाओ ख्वा व खुली हो या बातिन हो जाहिर हो या बातनी हो छुपी हुई हो और नंबर पाँच किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हलाक ना करो मगर हक के साथ ये बातें हैं जिनकी हिदायत इसने ने, इसने तुम्हें की है शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो अब हम आयत पे आते हैं हम देखते हैं आयत को अब ये जो है कुल ए मोहम्मद कह दीजिए ता लो आओ, आओ तुम सब आओ अतलु मैं पढ़ सुनाऊँ अतलू जो है मैं पढ़ सुनाऊँ या मैं तिलावत करूँ तो हम पहले देखते हैं अतलू है ना तला यतलू तिलवन हम देखते हैं तिलावत को क्या हक है तिलावत के असल में तिलावत के मानी क्या तिलावत के लफ्जी मानी होते हैं यानी किसी के पीछे इस तरह चलना के दरमियान में कोई अजनबी चीज़ हायल ना हो और अलाही मानी होते हैं अल्लाह की किताब को इस तरह पढ़ना के बीच में कोई और चीज़ ना हो मिसाली तालबिल अब हम देखते हैं मिसाली तालबिल देखें स्क्रीन पर दिखाएँ मिसाली तालब अभी जो था मिसाली तालब तिलावत कुरान सुनने का तरीक़ा अगर हमें मिसाली तालब इन बनना है कुरान का तो हम देखते हैं कि दे हक का ही क्या है तिलावत कुरान सुनने समझने पढ़ने का क्या हक है तो सबसे पहले तिलावत का अदा करने से मुराद देखिए अल्लाह ताला खुद फरमाते ना कुल अतलू के मैं तुम्हें पढ़ सुनाऊँ मैं तुम्हें तिलावत करूँ खूब नंबर एक खूब तवज्जे और गौ से पढ़ते हैं नंबर दो जब जन्नत का ज़िक्र आता है तो जन्नत का सवाल करते हैं और जहाँ जानुम का ज़िक्र आता है तो उससे पनाह मांगते हैं ये जो है ना आप फर्ज़ नमाजों में नहीं करेंगी नफिल नमाजों में आप सरसम जब जन्नत का ज़िक्र आता था तो जन्नत का सवाल करते थे जब जहनुम का जिक्र आता था तो उससे पनाह मांगते थे ठीक है और अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र आए तो अल्लाह कहें और जो है अजाब की आयतें आएँ तो अस्तफ़िरल्ला कहें उसके हलाल को हलाल हराम को हराम समझते हैं माशाला बहुत से हलाल हराम की आयतें चली आ रही थी तो हमें उसके हलाल को हलाल समझना है हराम को हराम समझना है इसमें जो कुछ तहरीर है लोगों को बतलाते हैं इसकी कोई बात छुपाते नहीं है घर जा शेयर करें रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड करें इस क्लासेस में बुलाएं ठीक है उसके मोहकम बातों पर अमल करते हैं और मुतशाब पर ईमान रखते हैं अब मुझे कोई अनम्यूट करके बताएं कि मोहकम बातें क्या है हमने महकम और पे की है बताया मौकम क्या है, जो हुकुम है। जो हुकुम जी जजाक लग क्या है मुतशावियाद। मुतशावियाद ऐसी आयतें हैं जिससे लोग जो है ना लोग ईमान वालों का तो ईमान बढ़ता है ठीक है और वो उन तो और कफर में ज़्यादा मुबतला हो जाते थे यानी कि मिसाल के तौर तो पर अल्लाह ने फरमाया कि जहनुम के उन्नीस दारों का तो वो एतराज़ हुआ कि इतनी बड़ी जहनुम तुम आपको क्या उन्नीस दारों का कंट्रोल करेंगे अल्लाह तो उन्नीस भी ना रखे वो तो अल्लाह के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है जैसे मच्छर की मिसाल उस पर ऐतराज़ हुआ ना तो मुताशा बेहतर ऐसी चीज़ें हैं ना तो मच्छर के ऊपर अल्लाह ने कहा कि मच्छर क्या मच्छर के ऊपर जो छोटा सा पेस्टिसाइड है उससे भी ऊपर की चीज़ या कम चीज़ करने में अल्लाह अल्ला सही मसल माँ बऊदत फमा फोका अल्लाह ताला तो मच्छर की मिसाल देने या उसके ऊपर की मिसाल जो है उसको भी नहीं शर्माते ठीक है ना तो उसके मौकम बातों पर भी अमल करते हैं उसके मुतशाहत पर भी ईमान रखते हैं कि अगर अल्लाह ने कहा इतनी बड़ी जानों के उन्नीस दारोगा है, तो वो हैं ठीक है थीके? और एक उसका है आ, क्या नाम है आ, जन्नत के दारोगा का कोई नाम बताएगा मालिक जी, जी जी मालिक, जी, मालिक। तो ठीक है मालिक दार होगा अल्लाह ने जो कह दिया तो अमन्ना सदकना और उसकी मोहकम बातों पर अमल करते हैं यानी अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं उस पर अमल करते हैं मुतशाबात पर ईमान रखते हैं उन लोगों की तरह ऐतराज़ नहीं करते ठीक है उसकी एक एक बात का इतबा करते हैं उसको पैरवी करते हैं हर बात मान के चलते अल्लाह के रसूल से अबी बशा रदाना पूछा गया कि आप सबका अख्लाक क्या है तो उन्होंने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा इन का लाल खलोकन अजीम यानी वो कहती है कि आप ससम तो चलता फिरता कुरान थे अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि इनका लाला नजीम आप तो नखलाक अख, के बुलंद दर्जे पे तो उनका किया था कुरान चलता फिरता कुरान थे और दूसरा इमेज देखते हैं तिलावती तिलावत ही आ, हला क्या है हक का तिलावती ही यानी के उसकी तिलावत का हक ही ही की जमीर किसकी तरफ जा रही बताएं जो रेड में हक का तिलावती ही के नीचे ही है ना ही ही प्रोणा की तरफ जी कुरान की तरफ़ जाए हक़ का तिलावत ही यानी कुरान का क्या पढ़ने का क्या हक है तिलावत का क्या है हलाल को हलाल हराम को हराम समझते हैं लोगों को बतलाते हैं इसकी कोई बात छुपाते नहीं हैं खूब तोज्ज और ग़ौर से पढ़ते हैं और इसकी महकम बातों पर अमल करते हैं मुतबात पर मुतरबहत पर ईमान रखते हैं हरूफ की दुरुस्त अदायगी करते हैं तजवीद और उसके मखारज कि हा और खॉ और गिन और कहाँ से उसके आर्टिकुलेशन पॉइंट कहाँ हैं हलक से कहाँ से निकालेंगे सारा कुछ जबान से दांतों के बीच से कहाँ से अदा करेंगे सारी हरूफ की तजवीज़ से हरूफ की दुरुस्त अदायगी करते हैं ठीक है कुरान की तिलावत के आदा दूसरा स्कीम देखें नीयत की दुरुस्तगी नीयत दुरुस्त हो कि मैं अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ और जो है इसमें शिफा है और मुझे जो है इसके अल्लाह की तरफ़ से नाजिल की हुई है ला रई बफ़ी अलिफ, ला, अलिफ लाम ला मीम ये, ये ये किताब है इसमें कोई शक नहीं है यानी ये मिनजानब अल्ला होने में कोई शक नहीं इस पर जो अहकाम है उसमें कोई शक नहीं है नीयत दुरुस्त करके पढ़ना है और मुझे इस पे अमल करना है इसके बग़ैर निजाती नहीं है तो नीयत की दुरुस्तगी हो पढ़ कुछ रहे हैं दिमाग कहीं है तिलावत सुन रहे हैं तो बेअबियाँ कर रहे हैं बातें कर रहे हैं जब लोग बातें करने लगे तो तिलावत ना चलाएं ये मेरे फर्स्ट लेसन फ हम सब के लिए लेसन ठहर ठहर कर पढ़ना अब सर समहर ठहर कर पढ़ते थे सुरतलफ़ा को तो बहुत ठहर ठहर कर पढ़ें क्योंकि अल्लाह ताली जो है फरमाते हैं कि सूरतलफ़ात आदि मेरे और मेरे बंदर के दरमियान उसको बाँटा हुआ है अल्लाह ने अल्लाह ताला हर आयत पे जवाब देते हैं अलहद ला आलमीन थोड़ा सा पाँच दें ताला जवाब देते ठीक है फिर आप दूसरी आयत पढ़ेंगे अल्लाह ताला जवाब वैसे भी कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आए तेज़ी से ना पढ़ना वही बात आ गई ठहर ठहर कर पढ़ना है तेज़ी से ना पढ़ना है ग़ौर वफ़िक्र करते हुए पढ़ना है आपको पता है कि तदब्बर करना है फला तद्बरून Anyway, क्या तुम तद्बर नहीं करोगे क्या तुम गौरव फ़िक्र नहीं करोगे आयत कौनी में गौर व फ़िक्र करना है कायनात की निशानियों में आयत शरई में जो कुरान में आयत है उनको गौरव फ़िक्र करके पढ़ना है फूल पत्ते दरख्त मौसम जो भी देखें तो उसको आयत कौनी में कायनात में गौरव फिक्र करें और हमने उस दिन काफ़ी गौरव फिक्र किया था तदब्बर किया था माशाल्लाह उस आयत पे दौरान तिलावत उस पर वला तफू पे और दौरान तिलावत आयत पर रुकना और तदब्बर करना कोई जन्नत की आयत आती है दोजक़ की आयत आती है कोई अल्लाह की बुजुर्ग की बड़ाई की बात जो भी है, इन इन दौरान तिलावत आयत पर आयात पर रुकना और गौर फिक्र करना और अल्लाह की खशियत के साथ पढ़ना अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कुछ मोमिन ऐसे हैं वजिलत ख़लूब हूँ जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उनके दिल जो है लरसने लगते हैं डरने लगते हैं और उनकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं और जो आँख अल्लाह के डर से रोती है तो आंसू बती उस पर रोजक की आग हराम है तो उसको पढ़ें तो अल्लाह की खशियत से खुशी व खुजू के साथ उसके डर से पढ़ें अज़ुल व वज़ल के साथ जितनी इबादत है नमाज भी खुशू खजू ़ुल अल्लाह के लिए ह्यूमिलिएट होके कि मैं किस सुपरफिशल पावरफुल बस्ती के सामने खड़ी हूँ वो मेरा मालिक है खालिक है मुदबिर है क्रिएटर है नरिशर है प्लानर है रब का मतलब क्या है कोई अनम्यूट करके रब का मतलब बताए उमा जी और असमा जी के अलावा बताएं <laughs> रब का क्या मतलब है? जजाकल्ला खैर जी नुसरत बहन बैन जजाकल्ला खैर ठीक है तो उस रब के आगे मैं खड़ी हूँ. तिलावत भी उसका रब उसका भेजा हुआ है मुझे पढ़ना है तो जजाक अल्लाह खैर ये कहाँ कहाँ से ये स्लाइड ढूंढ के लाई मैंने कहा कि उजमा जी हमें डिटेल करनी है तो मेरे पास से तो उड़ गए थे तो देखिए मिल के काम करने का फ़ायदा होता है तो आप लोगों को याद होगा हम जब तजवीज़ कर रहे थे और ग्रामर कर रहे थे तो इन्होंने सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है अलहमदिल्ला उनको अलहम बेहतरीन हजरत फ़रमाए कि हम इतनी डिटेल में कर सके मुझे एक मिला उन्होंने सारे ढूँढे तो अब हम देखते हैं इस्क्रीन इस पर हाँ हा, हक का तिलावत से क्या मुराद है हाँ हाँ चले अब नहीं सॉरी ये हो गया ना हमारा साथ चले उतलू से अब हम आगे पढ़ते आयत पे आते हैं इन आयत पे आ जाए ठीक है आयत पे आ जाए कुल तलो अतलु अतलू था ना अब हम आयत पे आ जाते हैं चले सब लोग आयत को देखें इनशाला हाँ तो ये कुल तालो कह दीजिए कि तालो आओ अतलू मैं पढ़ सुना मोहम्मद आप फरमाइए कि तालो आ जाओ अतलू मैं पढ़ सुनाऊँ मैं तिलावत करूँ मैं पढ़ सुनाऊँ तो हमने सारा तिलावत के मुताबिक जाना समझा पड़ा अच्छा अब जो आगे पढ़ते हैं हम क्या पढ़ सुनाओ क्या अल्लाह के रसूल हमें पढ़ के सुनाएंगे आप कहिए कि आओ तुमको वो चीज़ें पढ़ के सुनाऊँ कुलतालो अतलु माँ हर रमा क्या जो हराम क्या रब कुम तुम्हारे रब ने अलैकुम तुम पर कि मैं तुमको वो चीज़ें पढ़ कर सुनाओ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम फरमा दी ठीक है तो क्या हराम फरमा दी हम देखते हैं तुम्हारे रब ने क्या हराम फरमाया उसको हम देखते हैं यानी हराम वो नहीं हैं जिनको तुम बाला दलील महज अपने औबाम बातला और जुनून फासदा की बुनियाद पर करार दे रखा है बल्कि हराम तो वो चीजें हैं जिनको तुम्हारे रब ने हराम किया क्योंकि है क्योंकि पीछे आप पड़ती आई ना क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे पैदा करने वाला और तुम्हारा पालनार वही है हर चीज़ का इल्म भी उसी के पास है इसलिए उस उसी को ही खासिल है कि वो जिस चीज़ को चाहे हलाल और जिसको चाहे हराम कर दे चनाचे मैं तुमको इन बातों की तफसील बतलाता हूँ जिनकी ताकी तुम्हारे रब ने की है ठीक है अच्छा फिर नंबर दो क्या फरमाया के क्या करो अल्लाह तुशरिकु भी शई हूँ वबिल वालदीन एहसान हो ठीक है अब अल्लाह फरमाते हैं दूसरी आयत में कि क्या करो वला तशरको के शर्क ना करो किसके साथ ये कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने आप नोट करती जाए पहली चीज़ ये बताए दूसरी चीज़ क्या बताए कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो यानी यह कि अल्लाह तुशिकु इससे पहले यह है कि यानी अल्लाह ताला ने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया है कि उसके साथ किसी चीज़ को तुम शरीक मत ठहराओ शर्क सबसे बड़ा गुना है इन न शर्का लज्लमनज़ीम जिसके लिए माफ़ी नहीं मशरक पर जन्नत हराम और दोज वाजिब है अल्लाह तुशर्कू बेषयोन क्या होगा मशरक पर जन्नत हराम है और दोज वाजिब है वो दोजक में जाएगा कुरान मजीद में सारी चीज़ें मुख्तलि अंदाज से बार बार बयान हुई हैं और नबी सर नबी करीम ने भी हदीस में उनको तफसी से वजहत उसकी वजाहत बयान फरमा दी है इसके बावजूद ये वाक़ है कि लोग शैतान के बहकावे में आकर शर्क का आम इरतक करते हैं शिरक़ करते हैं आज भी हो रहा है शर्खना मज़ारों पे जाना मरे हुए से मांगना कि हम तो चूंकि ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे वो हैं उनकी हैसियत अपनी जगह है हमसे बहुत अच्छे हैं बहुत इबादत गुजार होंगे लेकिन ये कभी भी नहीं कहा कि जाके मज़ारों को पूजो उनसे मांगो अभी आपने आयत में भी पढ़ा पिछली आयत में कि हम तो उनको एक वसीला बनाते हैं कि वो हम अल्लाह से हमारे लिए मांगे नहीं अल्लाह तो हमारी शेरक से भी करीब है अल्लाह से तो डायरेक्ट डायलिंग करनी है डायरेक्ट मांगना है अल्लाह ताला से और जो नहीं मांगता उसको तो अल्लाह ताला फरमाते कि मुझे हया आती कि मैं उसको ना दूं <coughs> तो अल्लाह तुशरिकु बेषय अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है उसके बाद वबिल वाली एहसानो वालदे के साथ क्या करना है एहसान का रवैया अख्तियार करना है वालदेन के साथ एहसान करना है उर्दू वाला एहसान नहीं है क्या है माँ बाप के साथ एहसान करो तो यहाँ पे फरमाया वालदे के साथ एहसान करना है क्यों आपको पता है कि एक माँ जो है नौ महीने प्रेगनेंसी होती है कितना तकलीफ़ उठाती है वालदे कितनी मुश्किलों से बच्चों को बड़ा करते हैं तो ये फरमाया कि अल्लाह ताला की तोहद और अतात के बाद यहाँ भी और कुरान के दूसरे मुकामात पर भी वालदे के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया गया है जिससे ये चीज़ वाज होती है कि अताात रब के बाद अल्लाह की अतात के बाद वालदे की बड़ी अहमियत है अगर किसी ने इस रबूबियत सगरा यानी अल्लाह की अतद को क्या कहा रबूब सगरा कि इस रबूब सगरा वाले की अताद और उनसे सूसने सलूक के तकाजे पूरे नहीं किए तो वो रबूबियतरा के तकाज़े भी पूरे करने में नाकाम रहेगा और हम देखते हैं कि अल्लाह तला ने हमेशा ऑलवेज अपने अ, 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 अपने हक़ूक़ के बाद फ़ौर अल्लाह त वालदे के हकूक ला यहाँ भी देखे अल्लाको भी शय अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ व बिल वालदी एहसान हो वालदेन के साथ क्या करो एहसान करो फ़ौर आ गया ना कि वालदेन के साथ एहसान करो उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत पर ही देखें कि वला तख्तुलु फ़ी इमलाक ना नुम वैयाम और तुम कत्ल मत करो अपनी औलाद को तंगदस्ती के खौफ़ से फ़िक्र फाक़ा के खौफ़ से इमलाक के खौफ़ से मत कतल करो ना ननु नकुम व फ़िक्र फाक़ा जब अल्लाह ने पैदा किया तो ज़रूर देगा रे रोज़ी और रिस्क खाना आ, हम उनको भी रिस्क देते हैं बच्चों तुम्हारे बच्चों को भी और तुम्हें भी रज देते हैं तो अपनी औलाद को अफलास के सबब कतल मत करो हम तुमको और उनको रज देते हैं तो और वो तो जाके कुएं में डाल देते थे कत्ल कर देते थे आ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है हम अबॉट करवा देते हैं कम बच्चे खुशहाल घराना ठीक है आ, तो ये भी क्या है ये भी कत्ल कत्ल है, ये जो है अबोशन करवा देते हैं ये भी कत्ल औलाद है तो जमाने जहालियत का ये फ़ेल कभी आजकल जब्त विलादत या ख़ानदानी मनसूबा बंदी के नाम से पूरी दुनिया में ज़ोर व शोर से जारी है अल्लाह ताला इससे हमें महफूज़ रखे ठीक है उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते वला तकरबल्फवाहिशा माँ जहारा व मा बतना और क्या फरमाया कि क्या करो तुम जो है बेहयाई के कामों के क़रीब भी ना जाओ ज़ाहिरी बेहयाई हो या छुपी हुई हो उसके करीब नहीं जाना है बेहयाई के कामों की तरफ नहीं जाना है उसके बाद फरमाया तो बेहयाई में बहुत सी चीज़ें आ जाती है ना जना वग़ैरह आ जाता है और जो है जो है ऐसी फिल्में देखना ऐसे गाने सुनना ऐसी चीज़ें देखना ये सब बेहि में आ जाता है और ऐसे कपड़े पहनना इतने टाइट इतने टाइट के कपड़ा पहन के भी इंसान उरिया नज़र आए नेकड नजर आए और जो है बॉडी पार्ट एक एक बॉडी पार्ट नुमाया हो इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए उसके बाद है कि तुम बिहाई के जितने तरीक़े उनके पास मत जाओ एलानिया हो, खा पोशीदा हो, और जिसका अच्छा उसके बाद जिसका खून करना अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है उसको कत्ल मत करो वला लती हरमल्ला हक। तो जिसका खून खून करना अल्लाह हराम कर दिया है, उसको कत्ल मत करो अलह मगर हक के साथ इन इनका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो जाल वसाकुम ठीक है अल्लाह ताली ने इनका ताकीदी हुक्म दिया है जालिका वसाकुम भी लाल लकुम ता, ताक़िल अल्लाह ताला ने ताकि तुम अक़ल से काम लो तुम समझो तो अल्लाह ताला ने इनका तुमको ताकीदी हुक्म दिया है ताकि तुम समझो और तुम जो है अकल से काम लो तो ये यहाँ पे क्या क्या बताया गया नंबर वन अल्लाह ताला ने शायद में बताया नंबर वन शिरफ़ वालदेन की नाफ़रमानी कैसे बचो क्या पहले तो बताया अल्लाह तुश्रिकु भी शयन अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो व बिलवालदीन एहसान हूँ वालदेन की नाफ़रमानी से बचो उनसे एहसान करो वला तख़्तलु औलाद कम अपनी औलाद को कत्ल ना करो कत्ल औलाद से मना किया उसके बाद वला तकबुलफवाशा माँ जहरा मना व माँ बतना छुपी व खुली बेहाई से बचो और क्या करो कत्ल वला तख्तुल्नवसि हरमल्लाउ अबिलह और कत्ल ना हक मत करो ठीक है और फ्वाइ से मुराद क्या होता है ऐसी बुराई जिसका असर दूसरों पर पड़े जैसे जिना वग़ैरह अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि इनायत को हम देख लेते हैं अच्छा अल्लाह ताला की तोहहीद अद के बाद यहाँ भी कुरान के दूसरे मकाम वालदे के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया और फिर ये है कि वला तख्तुल्नफ़सा किसी जान को ना कत्ल ना करो यानी कसास के तौर पर ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बल्कि अगर मकतूल के वारिस माफ़ ना करें तो ये कत्ल जो है नहाय ज़रूरी कत्ल के बदले कत्ल होगा ना अगर एक एक जान कत्ल हुई है तो कत्ल होगा उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि वलकुम फिल क़िसास यानी कि अगर कत्ल के बदले कत्ल और क़िसास कुछ होते हैं कि कातिल को माफ़ कर देते हैं और क़िसास ले लेते हैं ना कोई अमाउंट ले, ले लेते हैं तो वल़ुम फिलक़ससी हयातु या उलबाब लाल रकम तत्तकून अक्लमंदोस में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है इस बाईस तुम कत्ल नाक से रुकोगे और लोग कहते हैं कि बड़ी जो है सख्त सज़ा है दीन इस्लाम में अगर एक जान के बदले दूसरी जान को ना ख़त्म किया जाए या क़िसास ना हो क़िसास भी भारी रखते हैं लाखों में रखते हैं तो क्या हो कि फिर तो इंसान की ज़िंदगी की हरमत ही अल्लाह ताला ने इंसानी जान की हरमत रखी है जान किसी जान को ना कत्ल नहीं करना उसकी इज्जत की हरमत है उस पर बातें सिलेंडर नहीं करना बातें नहीं बनानी उसकी इज़्ज़त की पामाल नहीं कर उसकी माल माल जान माल और इज्जत की हरमत है उसको पामाल नहीं करना चाहिए और फिर इस सज़ा में क्या है कि इस तरह का जानों को ख़त्म नहीं किया जाएगा और ये गलत है मुसलमान भी इस प्रोपेगंडे में शामिल हो जाते हैं कि नहीं ये सज़ाएँ बड़ी सख्त हैं आप देखें जो हमारा इस्लामी मुल्क है जहां जो है जो पे चढ़ाया जाता है कत्ल कत्ल का बदला है तो वहाँ देखे नहीं होते इस तरह के चोरी भी नहीं होती बहुत कम होती है क्योंकि चोर का हाथ काटा जाता है तो हम देखते है, हैं इब्ने मसूद रजी फरमाते जो शख्स रसूल की इस वसीयत को देखना चाहता हो तो आपकी आखिरी वसीयत थी तो क्या थी कि इब्ने अब्बास फरमाते सूरत में मौकम आया फिर यही आया तो आपने तिलावत फर्म, तिलावत फरमाई एक मरतबा हजूर ने अपने और फरमाया और जो इनमें से किसी बात को पूरा ना करेगा तो दुनिया में ही उसे शरयी सजा दी जाएगी और अगर सजा ना दी गई तो फिर उसका मामला क्यामत पर है उसका मामला क्यामत पर अगर अल्लाह चाहे तो उसे बख्श दे और चाहे तो सजा दे बुखारी और मुस्लिम में है तुम लोग मेरी बात पर मेरे हाथ पर बैत करो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने की इस आयत में अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाता है कि इन मशरकिन को जो अल्लाह की औलाद के कायल हैं थोड़ा सा आयत कर लेते हैं हम स्क्रीन पे तो हमें समझ आएगा इन मशरकिन को जो अल्लाह की औलाद के कायल हैं अल्लाह के रिस में से बास को अपनी तरफ से हलाल और बास को हराम कहते हैं अल्लाह के साथ दूसरों को पूछते हैं कह दीजिए कि सचमुच जो चीज़ें अल्लाह की हराम कर हैं, उन्हें मुझसे सुन लो जो मैं बज़री वही इलाही बयान करता हूँ तुम्हारी तरह ख्वाहिश नफ्स तो हम परस्ती और अटकल और गुमान की बिना पर नहीं कहता सबसे पहली बात तो यह है कि जिसकी वो तुम्हें वसीयत करता है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना यह कलाम अरब में होता था ना ये कलाम बुखारी और मुस्लिम में है रसूल फरमाते हैं कि मेरे पास ज़िब्रीआ अलैहिस्सलाम आए और मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि आपकी उम्मत में से जो शख्स अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे वो जन्नत में दाखिल होगा तो मैंने कहा वो उसने जिना किया हो वो उसने चोरी की हो आपने फ़रमाया हाँ वो उसने जना और चोरी की हो क्योंकि इंसान इस्तेफ़ार कर लेता है फिर छोड़ देता है ना बुरे फेल मैंने फिर यही सवाल किया मुझे फिर यही जवाब मिला फिर भी मैंने ये बात पूछी तो इस मरतबा जवाब दिया कि वो उसने शराब नोशी भी की हो क्योंकि दिन का इल्म आ जाता है और सजा का पता चलता है तो इंसान सारी चीजें छोड़ देता है बाज़ रिवायत में है कि हजूर मोहित की जन्नत में दाखिल होने का सुनकर हजरत अबू जर ने यह सवाल किया था और आपने ये जवाब दिया था कि आखिरी मरतबा फरमाया था अ, अबू जर की ना दो चुनाचे रावी अदीज़ जब इसे बयान फरमाते है तो ये अल्फाज दोहराते हैं सुनन में मरवी है कि अल्लाह ताला फरमाता है ए आदम तू जब तक मुझसे दुआ करता रहेगा और मेरी जात से उम्मीद रखेगा मैं भी तेरी खताओं को माफ फरमाता रहूंगा ख्वाब वो कैसी हो कोई कोई परवाह ना करूँगा अगर मेरे पास जमीन भर कर खतएँ लाएगा तो मैं तेरी तेरे पास इतनी मफरत और बख्शिश लेकर आऊँगा बशरत ये कि तू मेरे साथ किसी को शरीक ना किया हो तू ने इतनी खताएं की हो कि वो आसमान तक पहुंच गई हूँ फिर भी तू मुझसे इस्तफ़ार करे तो मैं तुझे बख्श दूंगा लेकिन शिर की माफ़ी नहीं इस्तार कर लेंगे और दोबारा नहीं करेंगे गलती इस्तफ़ार करने से अल्लाह ताला बख्श देगा लेकिन जो शिरक लेके आया दुनिया आसमान के बराबर गुनाह लाया शिर लेके आया तो शिर करने वालों की माफ़ी नहीं है लेकिन जो दुनिया आसमान के बराबर गुनाह लेके आया और इस्तार कर लिया लेकिन शिरक नहीं किया होगा तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे अब इसका ये मतलब नहीं कि हम शेर करते चले जाएं क्योंकि आपने और जगह पढ़ा है कि अपने अमाल की पादाश में सजा तो मिलेगी जो भी सज़ा के लायक जो गुनाह होंगे उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी उसके बाद आपको पता है जन्नत में से भी कुछ लोग निकाले जाएंगे सॉरी दोज में से भी कुछ लोग निकाले जाएंगे जो अपनी अमाल की अपनी अमाल की पादाश में सज़ा भुगतने के बाद आ, और इस हदीस की शहादत में ये या आयत है यकफ़्रुयुशर का भी ही वक् मादून अजालिका लिमायशा यानी मशरक़ को अल्लाह ताला मुतलक ना बख्शेगा बाकी गुनागार अल्लाह की मशियत पर है जिसे चाहे बख्श दे सही मुस्लिम है जो तोहिद पर मरे वो जन्नती है इस बारे में बहुत सी आयात और हदीस है इबन मरविया में है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाए या तुम्हें जला दिया जाए जब भी तो अहद अहद कह के साबा कराम को अयासर और रम्मा रदीन को घसीटा जाता था चमड़ी स्किन निकल जाती थी गोश निकल जाता था वो 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 शिरक़ नहीं शर्क नहीं करते थे हम कहते थे नहीं हम हमने बस इस्लाम लिया है अब हम बुतों को नहीं पूजेंगे इबने आपने इमने अभी हातिम में है कि हमें रसूल ने सात बागों का हुक्म दिया अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना वो तुम जला दिए जाओ काट दिए जाओ या सूली दे दिया जाओ इस आयत में तोहिद का हुक्म देकर फिर माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म हुआ बास की किरा के रब रब का अल्लाह तब्ला याहू वबील वालदई ने एहसान और एक जगह अनिश करूली वली वदई और ये लकमान जो है अपने अपनेकमान में कि मैं मुशरक माँ बाप के साथ भी बदरे ज़रूरत एहसान करने का हुक्म वा वारिद हुआ है वही जख़ज़ना मीसा का बनी इसराइला ईसायत इस में भी है कि मैं भी दोनों हुक्म एक साथ बयान हुए और इस तरह की सी आयत के मफूम है बुखारी और मुस्लिम में है कि इतने मसूद फरमाते हैं कि मैंने हजूम से दरियाफ़ किया कि कौन सा अमल अफजल है आपने फरमाया नमाज वक्त पर पढ़ना मैंने पूछा फिर फरमाया माँ बाप के साथ निकी करना मैंने पूछा फिर फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना मैं अगर और भी दरियाफ़ करता तो हजूर बता देते इब्न मरदुया में इबादा बिन सामिद अबूदा से मरवी है कि मुझे मेरे खरीर रसूल अल्लासम ने वियत की कि अपने वाले की अता अतात कर अगरचे वो तुझे हुक्म दे कि तू उनके लिए सारी दुनिया से अलग हो जा तो भी मान ले मगर ये इब्ने कसीर कहते हैं कि ये सनत ज़ईफ़ है बहरहाल अब वालदेन का तो बहुत एहतराम बहुत एहतराम है बाप दादाओं की वसीयत करके अब अल्लाह ताला औलाद और औलाद की और औलाद की बाबत वसीयत फरमाई कि उन्हें कत्ल ना करो जैसे कि शैतान ने उसका उसका इस काम को तुम्हें सिखा रखा है लड़कियों को तो वो लोग वजह आर के मार डालते थे वजह आर क्या थी क्या आर थी क्यों लड़कियों को मार डालते थे बहुत तफसील में पढ़ाए चले कोई अनम्यूट करके बताएं क्योंकि वो दामादों के दामाद नहीं लाना चाहते थे मतलब क्या जजाक अल्लाह जी वो आर समझते थे कि हमारे पर दामाद आ जाएगा और हम किसी के खुसर सुसर बन जाएंगे ठीक है तो वो आर भी समझते थे और लड़कों को क्यों कत्ल करते थे और बाद लड़कों को भी कत्ल कर देते और एक वजह और भी होती थी रिस्क में रिस्क रे, की तंगी और मुफलसी के खौफ से जी जजाक अल्लाह जी, 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 जी आपने पढ़ा था माशाल्लाह बहुत याद रखते हैं माशाल्लाह सब इंशाल्लाह सब स्कॉलर्स अल्लाह ताला बना दे हम सबको और फिर ये कि अमल करने वाले और फैलाने वाले और बाद लड़कों को भी बेवजह इसके कि उनके खाने का सामान कहाँ से लाएंगे मार डालते थे इब्ने मसूद ने एक मरतबा हजू से दरियाफ़्त किया कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है आप ससु ने फरमाया अला के साथ शर्क करना हालाँकि उसी अकेले ने पैदा किया है पूछा फिर कौन सा गुना फरमाया अपनी औलाद को इस खौफ से कत्ल करना कि मेरे साथ खाएगी अबोशन है आज तो अबोशन है पूछा फिर कौनसा फ़रमाया अपने पड़ोस की औरत से बदकारी करना फिर हजू ने आयत वल्लजीना ला यदूना मा लाह अलान आखिर आखिर तक की तिलावत फरमाई और आयत में है वला औलादकुम खशया इमलाक ये जो आपकी आयत है ना कि अपनी औलाद को फ़कीरी के खौफ से कत्ल ना करो इसीलिए इसके बाद ही फरमाया कि हम उन्हें रोज़ी देते हैं और तुम्हारी रोज़ी भी हमारे ज़िम्मे है ये सभी स्क्रीन पर आप आए देख रही यहाँ चूंकि फरमाया था कि फ़कीरी की वजह से औलाद का गला घूट गुट नुट घूटो तो साथ ही ये फरमाया तुम्हें रोज़ी हम देंगे और उन्हें भी हम ही दे रहे हैं ठीक है अच्छा उन्हें भी हम ही दे रहे हैं फिर फरमाया किसी जाहिर और पोशीदा बुराई के पास भी ना जाओ माँ जहरा ममा बतना जैसे और आयत में कुल इन नमा हरमा रबी अल्फवाश मा जहारा माँ जहा व मा बतना और अब स्क्रीन पे एक और आयत आपको दिखाई जाएगी ये जो मैंने पढ़ी है उसको देख लेते हैं आखिर तक यानी तमाम बातनी और ज़ाहरी बुराइयाँ ओम व्याती शर को कुफर और झूठ बोहतान सब कुछ अल्लाह ने हराम कर दिया है इसकी पूरी तफसीर आयत व ज़रूर झाहर व बातिनों की है फवाहिशा माँ जहा मिनहा व मा बतना वस्मा व्या ब़ैर वन तुश्रिको बिल्लि मालम्यू नज़िर बेसुल्तान तकोलो अल्ला माला ताल आय ममसम फरमा दीजिएगा अलबत् मेरे रब ने सिर्फ हराम किया है इन तमाम फौज बातों को जो ऐलानियाँ हैं और जो पोशिदा हैं हर गुनाह की बात को हर नाक किसी पर म करने को और इस बात को कि अल्लाह के साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक ठहराओ जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की और इस बात के कि तुम लोग अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात ना लगा दो जिसको तुम जानते नहीं हो ये सारी बातें थी इसमें अच्छा उसके बाद हम देखते हैं के बाद हम दुआ मांगते हैं अपने के लिए रब हम कमा रबानी सगीरा ए मेरे रब इन दोनों वाले पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था आमीन या रब ये दुआ मांगेगी तो एक एक अल्फाबेट पे एक एक रूफ़ तजुब पे दस सब नेकियों का स्वाब आपको मिलेगा क्योंकि कुरान की आयत भी है और दुआ की दुआ भी है दुआ भी कबूल होगी तो वालदे अगर जिंदा हैं अगर इस दुनिया से चले गए तो भी बहुत मांगे मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ कि मेरे लिए दुआ मांगा करो हम दोनों बच्चों को भी ताकि वो दुआ मांगे ठीक है बच्चों के लिए बताए ना रबीरा हम बच्चे ही मांग लेना है हमारे रब उन दोनों वाले पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था अब हम एक और आयत देखते हैं सुरत अल इसरा ट्वेंटी थ्री वक़ा रबुका इम्मा यबलगना इन दल की बरा आहद हमां ओकीला हमां फ़ला तकम उफिन वला तनहरुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा और तेरा रब फैसला कर चुका है उसके सिवा किसी की इबादत ना करो आप देखें मैंने कहा था ना अल्लाह ताला अपने हक़ के बाद फौरन वालदेन के हुकूक ले आते और माँ बाप के साथ भलाई करते कितनी अहमियत है माँ बाप की अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ा के बुढ़ापे को पहुँच जाए तो उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना इसमें सास ससुर भी आ जाते हैं फिर हज़रत अनस एक और है रिवायत हम देखते हैं दुनिया की नियमतें हासिल करने का ज़रिया अनस बिन मालिक रद्ला ने ख़बर दी कि रसूल अल्लास ने फरमाया जो चाहता हो कि उसके रिस में फ़राकी हो उसकी उम्र दराज हो तो वो सिला रहमी करे यानी खराबत दारी करे रिश्तेदारी नभाए काते रहम जन्नत में नहीं जाएगा अल्लाह ताली रहम से मोम से मुखातिब है ज़मीन व आसमान बनाने से पहले कि जो तुम्हें काटे उसे मैं काटू जो तुम्हें जोड़े उसे मैं जोड़ूँगा ठीक है उसके बाद हम देखते हैं स्क्रीन पे तो मबजूल हो अच्छा तिलावत तिलावत के लफ्जी और असलाही मानी लफ्जी मानी यानी किसी के पीछे इस तरह चलना कि दरमियान में कोई अजीब चीज आए ना हो असलाही मानी आ, किसी का अनम्यूट कर दे कोई बहन भूल गई है अनम्यूट करना असलाही मानी अल्लाह की कि किताब को इस तरह पढ़ना के बीच में कोई और चीज ना हो हक तिलावत से क्या मुराद है दूसरा स्क्रीन देखें कुरान को समझकर पढ़ना गौर व फिक्र करना उस पर अमल करना किताब की पैरवी करना ये अभी आपने पूरी डिटेल पढ़ी थी शायद ने किन चीजों को हराम करार दिया गया है किसी किसी बहन का जो है घर से आवाज आ रही है प्लीज आपको बहुत अजर मिलेगा आप अनम्यूट करना भूल गई हैं प्यारी बहन जब आप शिरक की नाफरमानी कत्ले औला छुपी खुली बिहाई माँ जहारा मीना व माँ कत्ल ना जो अबोशन की सूरत में है अलफवाइ से क्या मुराद है रूट वर्ड हा फ हा, फोहश फहश मुराद है ऐसी बुराई जिसका असर दूसरों पर पड़े जैसे जिना वग़ैरह अब हम तदबीक कर लेते हैं इन आयतों की अच्छा हाँ अच्छा पहले पढ़े इंसान को चार हालतों से वास्ता पड़ता है तबीयत के चार हालतें होती इंसान हर वक्त चार हालात में होता है ठीक है क्या चार हालात हैं तबियत के मुताबिक हमारे हम जो चाहते हैं वह हो जाता है कभी तबीयत के खिलाफ होता है जो हम चाहते नहीं होता है और माजी की और की गलतियां और नुकसान की याद बार बार याद आता है नुकसान हो गया वो प्लॉट में नुकसान हो गया बच्चे की शादी इधर ना करती इतने रिश्ते थे तो वो सुखी होता मुस्तबिल के खतरा और अंदेशे कि क्या होगा मैंने एक बच्ची का बताया था कि मैं मेडिकल कैसे करूंगी मेरे वालद के इंतकाल वो हार्ट के मरीज वगैरह वगैरह ठीक है वगेरा वगेरा नौकरी छूट जाएगी तो क्या होगा बिजनेस फेल हो जाएगा तो वगैरह तो चार हालतें होती अब इन चार हालत में करने के काम क्या है अब ये है कि वालदे की नाफरमानी हो गई कोई बेहाई का काम हो गया कुछ भी हो गया कुछ माजी में नुकसान हो गए तो कुछ भी हो गया गलतियां हो गई तो अब क्या करें जो मामला तब नंबर वन तबियत के मुताबिक जो मामला तबियत के मुताबिक हो जाए तो उस पर अल्लाहमद का शिक्रो कहने की आदत डालो ठीक है जो मामला तबीयत के खिलाफ हो जाए तो क्या करें इना ला व इन्ना इन्नाज उन कोई चीज़ चली गई हम नहीं चाहते थे वो हो गया ना चाहते हुए भी होगा वही जो अल्लाह चाहता है चाहे हमारी तबीयत के मुताबिक हो खिलाफ हो तो इन्ना ला व इन्ना इज सुकून आ जाए कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए अल्लाह की तरफ जाना कोई बात नहीं ये चीज़ नहीं मिली ये चीज़ गलत हो गई या नहीं मिली तो कोई बात नहीं ठीक है उसके बाद माजी की गलतियाँ और नुकसान की याद माजी की लफ्जी याद आए तो फ़ौरन करस्तख फिर अस्तक ठीक है फिर जो है मुस्तबिल के अंदेशे खतरा हो तो कहें अल्लाहफित मा माँ जहरा ममा बतना या मुझे मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फितनों से टेस्ट से इम्तहान से जो जाहिर में हो जो छुपे हों या खुले हों ठीक है अब क्या होगा शुक्र आपने अदा किया तबियत के मुताबिक काम है अल्लाह शिक्र कहा तो शुक्र से मौजूदा नमत महफूज हो गई अविन शकर तुम लाजीद अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा वोला इनका कफर तुम इन्नाजाबी लदीद अगर कुफर करोगे ना शुक्रिया करोगे तो मेरा अजाब शदीद है फिर दूसरा क्या होगा अगर तबियत के खिलाफ काम हुआ तो आपने कहा इन्ना वही नुकसान पर सबर से अजर महफूज हो गया और अल्लाह की माइत नसीब हो गई अल्लाह का नसीब हो गया फिर क्या हुआ माजी की गलतियाँ नुकसान की याद आई तो आपने कहा कि माजी की लफजिश याद आई तो आपने कहा अस्त तो उसफ से माजी साफ हो गया कोई गुनाह हो गया कोई गलती हो गई वाले की नाफरमानी हो गई सास ससुर भी वाले उनको नहीं रखा उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया किसी से जुल्म किया किसी से नाइंसाफी की कोई भी कोई भी गलती हर तरह की तो क्या होगा इस्तेफार करें बहुत ज्यादा और आज कल तो जो ये हमारे इम्तहान आ गया है ये जो पेंडेमिक है हमारे गुनाहों की सज़ा है टेस्ट है आजमाइश है जो भी है वो तो बहुत ज्यादा करें और फिर आपने कहा मुस्तबिल खतरा और अंदेश के लिए मुस्तकबिल में क्या रिस्क होगा या नहीं क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फलांसा तो अल्लाह तो क्या होगा मुस्तबिल की हिफाजत हो जाएगी क्योंकि आप अल्लाह से पना मांग रहे कि फितनों से आजमाइे टेस्ट से बता ले जाहिर हो या बातें जो मुझे नजर आ रहे हो जो मुझे नजर नहीं आ रहे हो ठीक है ना उसके बाद हम तदबी करते हैं फिर एंड करते हैं इनशाला ताकि पूरी हो जाए ना आया चले नमाजो तदबी चले नंबर वन देखें क्या है ये हमारी आयत थी आज की आयत नंबर वन फिफ्टी वन अल ये अलफवायशा मा जहार मिना ममा बतना ये हमारी आयत अब इसकी तदबीक हम दूसरी आयत से करते हैं स्क्रीन पे तवज्जो मफजूल यह है ना कुल इन रबी अल्फवाशाह माँ ज़हरा मना ममा बतना सरतुलआराफ आयत नंबर थर्टी थ्री घर पे भी जाके कीजिएगा स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर हम इसकी तदबीक करते हैं आज ये दुआ सीखते हैं तो ये दुआ कर लेते हैं जल्दी से अल्लाम अलबीना क्लूबिना अल्लाह हमारे दिलों में उर्फत डाल दे अगर लड़ाई झगड़े हैं ख़ानदान में घर में ना इतफ़ाक है बस बदसकूनी है तो ये दुआ बहुत मांगा करें यह दुआ कुरानी और मसरून दुआ जो आपकी है ना ऑरेंज कलर की बुक उसमें है नहीं है तो आप उसका ऐप डाउनलोड कर लें उमा जी आपको ऐप का भी भेज देंगी लिंक तो ऐप डाउनलोड कर लें तो अल्ला बना क्लू बिना अल्लाह हमारे दिलों में उर्फत डाल दे वासले ज़ाता बनना और हमारे बाहम इसह फ़रमा दे लड़ाई झगड़े है तो इसलाह हो जाएगी ए दिना सब सलाम हमें सलामती के रास्ते दिखा दे यही जो हदीस ये ला दिल में उतार अभी जुल्म की बातें हुई शिरक वगैरह हमें अंधेरों से रोशनी की तरफ निजात अता कर ला इल्मी है कुरान नहीं आता अल्लाह के अकाम नहीं पता है वो सारे वजन निब्न अल्फवाहा ऐशा माजहा बतना ये जो आप तदबीक कर रहे हैं और हमें ज़ाहरी और छुपे हुए गुनाहों से बचा वो दुआ भी मैंने आपको बता दी थी ना तो वो भी मांगा करे मा, मुस्तकबिल के खौफों ख हैं तो अच्छा वबारिक लग, अब ये दे, देखे आपकी वो हो गई ना तदबिक अलफवाइशा अल्फवाइशा माजहारा मिना वमा बतना हमें छुपे हुए गुनाहों से बचा व बारिकलाना फी असम वना इतनी दुआ मुझे पसंद है इसमें सब कुछ मामले आखलूबिना वजवा जिना व जरूरियातना और हमारी असमातों में जिससे हम सुनते हैं ना कान से हमारी बसारतों में हमारी आंखे और वो बसारत भी के एक तो आंख से देखना आता है एक वो बसारत होती है कि आपको अंदर की सारी चीजें समझ आ जा जाती है अल्लाह की जो है निशानियाँ समझ में आ जाती है और आपकी आँख की बसारत और कान की समातों में बसारतों में दिलों में बीवियों में बीवियों औलाद में बरकत दे अब ये अजवाज इनमें मर्द मांगेगा तो उसके लिए बीवी आ जाएगी हम हम मांगेंगे तो हमारे लिए शोहर आ जाएगा बरकत दे इन सब में बरकत दे दे के कान भी सही सुने आँखें भी सही काम करे औलाद भी सही चले शोहर भी सही हो ठीक है आ, व जरूरियातना जरूरियात का मतलब होता है हमारी ऑफ हमारी नस्लें व और तोबा कबूल करने तू हम पर मेहरबान हो जा इन न तवाबु रहीन बेशक तू ही तोबा कबूल करने वाला है वजल ना लीनी अमे लीनी का और अ, अ, और हमें अपनी शुक, नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना दे ताकि हम क्या करें मुस्नी निया अले का काबिली ताकि उनके ज़रिए एक दूसरे के मुकाबले में तेरी तारीफ करने वाले बन जाएं बहुत ज़्यादा एक दूसरे को तारीफ़ करें कि उसके होट चल रहे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूं अल्लाह का जिक्र करें रेम्बरेंस करें उसके जिक्र अस्कार करें सुबह शाम के अस्कार पे भी बहुत एक डिटेल में हमें करना है इन शाला वो भी तैयार है दर्स वो भी इन करेंगे फिर फिर क्या होगा वात फिर क्या मांगा वात बात मीम अलैना अतिम क्या होता है कि पूरा पूरा कर दे और उन्हें ने नी पर पूरा कर दे आमीन या रब आलमीन इसको पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहने से याद हो जाएगी जिसको पता है उसका रिवीजन है जिसको ये कुरानी और मसू दुआ पंद्रह मिनट लगाएं कुरानी व दुआ पढ़े फजर के बाद तजुद के बाद किसी ने कभी भी तो क्या होगा कि वैसी दुआ मांग ही नहीं सकते जो अल्लाह और रसूल रसम ने सिखाई अपनी जब, इसका मतलब नहीं कि अपनी जबान में नहीं मांगे अगर नहीं खोलती तो अपनी जबान में जरूर मांगे चले हम इस पर कंक्लूड करते हैं आपका टाइम आज ज्यादा ले लिया लेकिन आयत की अभी भी मुझे लगता है कि हकदानी वाह बहुत सा, सारी तफसिफिर भी मैंने कोशिश की ठीक है چلے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب انك العليم بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم امين يا رب العالمين جزاك الله خيرا كثيرا كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته इनशाला वो हमारा जुमे को नहीं होगा सैटरडे को नूरजा बाजी ने हमारा रखा है ना दर्स इनशाला फिर भी आप कोई तब्दीली हुई तो ग्रुप जरूर देखते को क्योंकि कोशिश तो पूरी होती है कि हम कोई भी चीज मिस ना हो ना कोई भी दर्स ठीक है चलो तो कितने बजे होगा सैटरडे को यही ढाई बजे यही ढाई बजे होगा इनशाला ठीक है औरों को भी बताइएगाटरडे और जुमे को नहीं है हमारा इनशाला फिर भी ग्रुप देखते रहिए आप ठीक है चले आप लोगों की इजाजत से अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं कंक्लूड